थियो राम राम। आप लोगों का हमारे मौर्य चैनल में स्वागत है और मैं उत्तम मौर्य अपने मौर्य चैनल में सभी किसान भाइयों को आज संबोधित करेंगे। आज बताएंगे उन फसल के विषयों के बारे में ताकि हमारे जो किसान साथी हैं अभी तक मूल रेट नहीं उनको प्राप्त हुआ है वो फसल से, तो किसान साथियों बने रहिए हमारे चैनल पर ताकि आज की जो जानकारी आपको देंगे उस जानकारी से हो सकता है कि हमारे किसान साथी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान साथी आज की जो हमारी टॉपिक आ रही है, जो आज की हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी, तो किसान साथी आज हम टमाटर की बात कर लेंगे कि टमाटर की खेती के लिए, तो टमाटर की खेती जो अभी तक किसान शेष किए थे उनकी इस समय तोड़ाई हो रही है और वो अपने मंडियों में और बाज़ारों में बेच रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका शेष भाव यही मिल रहा है कि 20-25 रुपये में 30 रुपये तक की जा चुकी है। किसान साथियों जो अप्रैल माह वाली जो हमारी आपको दिखाएंगे भी अभी थोड़ा कि हमारी जो फसल लगी है टमाटर की खेती हम लोगों ने की है, तो टमाटर की खेती में क्या रिस्पांस होने वाला है, तो किसान साथियों आपको थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी तक की जो खेती है टमाटर की किस तरह होकर के तैयार हो चुकी है। तो किसान साथियों कितने दिन में कितना इसके साथ लागत लगता है, कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो किसान साथियों आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि मैं अपने प्लांटेशन खेतों के तरफ हो चुका हूँ कि जहाँ तक प्लांटेशन करवाए हैं, जहाँ तक रोपाई करवाए हैं अपनी टमाटर की, वो आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि अभी शेष 20 दिन का शेष पौधा है। किसान साथियों ये 20 दिन का ही पौधा शेष हुआ है, ये मान के चलिए कि अभी शेष 20 दिन का जब पौधा हुआ है तो मैंने नर्सरी थोड़ा लेट हो जाने के कारण थोड़ा लेट हो चुका है मेरा ये फसल, लेकिन फिर भी लेट नहीं है, बहुत ही सीमित समय पर हो चुका है, ना ही बहुत टेम्परेचर हाई है और ना ही बहुत न्यूनतम है, ये मध्यम टेम्परेचर में आ रहा है। किसान साथियों तो आपको मध्यम खेती करना है, तो मध्यम खेती के साथ क्या होता है कि अपने खेतों को सबसे पहले संपूर्णतया तैयार करना ही बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हमारे किसान साथी सक्सेस हो पाएंगे। तो आप लोग पहले न्यूनतम खेत की तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है, और खेत की तैयारी के लिए कौन कौन से फर्टिलाइजेशन का हमें उपयोग करना चाहिए, देसी खादों का भी हमें उपयोग करना चाहिए जो गोबर वाली सड़ी खादें आती हैं। किसान साथियों इसी के साथ खेती की तैयारी की बात हो चुकी है, और खेती के साथ साथ जो नर्सरी की तैयारी की बात कर लें, नर्सरी आपका संपूर्णतया 25 दिन के अंदर या महीने तक लग सकते हैं आपके तैयार होने में। तो किसान साथियों अभी तक की जो अप्रैल की खेती है अगर नहीं नर्सरी लगाए हैं तो अभी आपके पास ये समय मई तक की आपकी जो खेती है टमाटर की खेती है तो आप मई तक संपूर्णतया तैयार कर सकते हैं नर्सरी और लगा दीजिए, लास्ट मई तक आपका लग सकता है। तो किसान साथियों आप खेती के लिए तैयार हो जाएँ ताकि टमाटर के जो प्रॉफिट अभी इस समय लगन स्टार्ट होने वाली है, जो शादी विवाह की बात कर लें तो शादी विवाह में अक्सर कर लगन जब हमारी चालू हो जाएंगी तो हम महंगाइयाँ सब्जियों का डिमांड जो रहेगा मार्केट या बाज़ार का बहुत ही नंबर एक होगा। टमाटर नहीं बल्कि और भी फसल हैं उनके भी हाई होने वाले हैं, जो भी किसान साथी करना चाहते हैं तो उनकी भी कर लें, लेकिन जो टमाटर की महंगाई है और टमाटर की जो पैदावार है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। किसान साथियों जो कि आज की हमारी फसलों में अनेक प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं, हमारे किसान साथी सब भयभीत रहते हैं कि हमें फसल में अनेक प्रकार के उन्हें फंगस आते रहते हैं, कि जैसे मान लिया जाए कि हमारा भी आपको दिखाएंगे कि हमारा पौधा थोड़ा ठिठुरनपन में आ रहा है, जैसे पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पीली पड़ रही हैं हल्की, ये देख सकते हैं किसान साथी, ये आप देख सकते हैं ये मेरा पौधा है, ये लगता है शेष ठिठुरन इस समय आ गया है कि इसमें फूल और फल की को लगना मुमकिन है, अब इसमें फूल और फल आने को नहीं लग रहा है कि इसमें लगेगा, लेकिन किसान साथियों आप भयभीत ना हो, ये खेती करके ग्रोथ जल्द से जल्द बढ़ाना है तो कोराजिन का इस्तेमाल आप कीजिए। कोराजिन का हो सकता है कि 15 महीने में दो बार आप डाल सकते हैं और आपका सबसे अच्छा जो रिस्पांस रहेगा कोराजिन आपको दे करके जा सकती है। तो किसान साथियों जो फूल और फल आपके नहीं आ रहे हैं तो कोराजिन सबसे अहम जो मानी जाती है दवा की, सबसे बहुमूल्य चीज़ें दो दवा की होती हैं, कोराजिन एक टॉनिक के रूप में यह काम करता है जो आपके पौधों को इतना ग्रो कर देगा जो कि जो महीने में पौधे हो सकता है ये लगभग एक महीने तक आप डाल देंगे तो एक फुट से करीब ये ग्रोथ कर जाएगा। तो किसान साथी अभी तो हमारी जो शेष पौधे हैं ये लगभग अभी एक फुट करीब हो चुके हैं, एक फुट के करीब हो चुके हैं, और जो आपकी रोपाई की बात कर लें किसान साथी, जो रोपाई का समय था, समय बहुत ही सही समय पर मैंने रोपाई करवाई है, और रोपाई के साथ साथ किसान साथियों जो इसकी रोपाई की दूरियां हैं कि हमें लाइन से लाइन की दूरियां कितनी रखनी है, और हमें जो नालियां दिख रही हैं और नालियां की कितनी दूरियां हैं, पौधे से पौधों की कितनी दूरियां हैं, तो आपको मैं दिखा दूंगा किसान साथी, क्योंकि ये लगभग पौधे से पौधों की दूरियाँ आप देख सकते हैं, ये लगभग 15 से 14 इंच के करीब होंगे, और ये जो थोड़ा लाइन से लाइन की दूरी हैं
तो ये लगभग 1.5 फुट के करीब होगा। तो किसान साथी, आपको जब लगाना है इस तरह की, आपको नाले बनाने होंगे, इस तरह बेड बनाने होंगे, तभी आपकी रोपाई अच्छी होगी। और रोपाई के साथ साथ इसको ज़्यादा पानी और ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है फसल को, न्यूनतम इसके लिए तापमान जो है। तो इसको यदि आप सिंचाई भी करें तो आप शाम के समय में ही ऐसी सिंचाई कीजिए ताकि आपके इसमें पानी ज़्यादा रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपको यदि पानी रुक रहा है तो आप कहीं स्थिर जगह पर निकाल सकते हैं। क्या होता है, जब टेम्परेचर आपकी, अगर दोपहर के समय में आप सिंचाई कर रहे हैं किसान साथियों, तो आपके पौधों में बहुत समस्या आ जाती है। तो आपके फसल में एक समस्या और देखने को मिलती है, जो टमाटर की फसलें होती हैं, इसमें आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा, जो पीलापन एकदम पौधे हो चुके हैं, ये देख सकते हैं किसान साथी हमारे, एकदम ये जो पीला पौधा है, ये पीलेपन के कारण ये पौधे मर जाएंगे, शेष इसमें मरने की समस्या हो सकती है। तो फूल और फल की बात तो अलग रही, इसमें फूल फल होने की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन किसान साथियों, जो आपको इसमें दवा डालना है वह है एंट्राकाल। एंट्राकाल का आप स्प्रे लगभग 2 बार कीजिए हफ्ते में, और ये आपका जो पीलापन है ये हट जाएगा और ग्रो होने लगेंगे आपके पौधे, और फूल और फल में कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि ये एक प्रकार के झुलसा रोगों में भी काम करता है, और जो इनकी पौधों की विकास के लिए भी होता है, इसमें अनेक प्रकार के कीट भी मर जाते हैं इससे। तो किसान साथियों, ऐसी ही खेती करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। किसान साथियों भी लगाना चाहते तो आपके पास ये समय है, समय को ना नष्ट करते हुए आप अपनी खेती में लगन से लगा कर मेहनत कीजिए और सक्सेस हो जाइए। उसके लिए मैं हर किसान भाई को कामना करना चाहता हूँ, उनके लिए यह कहना चाहूँगा कि जय जवान जय किसान।